नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष और मैं हूं आपके साथ। छोड़िए नाम में क्या रखा है, ये सच है, लेकिन सियासतदान अक्सर नामों पर ही तो राजनीति करते आए हैं और संकेतों की राजनीति में बीजेपी को महारत हासिल है। दरअसल मुगलसराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले भी मोदी और योगी सरकार कई योजनाओं का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख चुकी है। नाम बदलने की मंजूरी के साथ ही इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कैसे, वापस रिपोर्ट में देखिए। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, यही सवाल जनता भी पूछ रही है कि किसी स्टेशन, इमारत, सड़क या योजना का नाम बदलने से क्या व्यवस्था भी बदल जाएगी। इस सवाल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि चंदौली जिले के मुगलसराय जंक्शन को अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देने के लिए ट्वीट किया, तो वहीं यूपी सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया। नागरिकों की मांग को देखते हुए यूपी में मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। मुझे खुशी है कि अंत्योदय जैसा महान विचार देने वाले पंडित दीनदयाल जी के नाम से अब ये जंक्शन जाना जाएगा। कुछ लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इस स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा जाए। दरअसल मुगलसराय लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थल है, जबकि दीनदयाल उपाध्याय का शव स्टेशन के पास संदिग्ध हालात में पाया गया था। माना जा रहा है कि जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी सरकार ने ये कदम उठाया है। अब सालों पुराना नाम बदला तो इस पर सियासत होना लाजमी है। विपक्ष पूछ रहा है कि नाम और रंग बदलने के अलावा सरकार ने किया ही क्या है। वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उसे हर बात पर ऐतराज है। करीब एक साल पहले से ही स्टेशन का नाम बदलने की मांग ने जोर पकड़ लिया था। यूपी सरकार ने स्टेशन का नाम बदलने का सुझाव केंद्र के पास भेजा था, इसे केंद्र ने मंजूरी दे दी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आम लोग एक फैसले से सालों से लिए जा रहे नाम लेना बंद कर देंगे, और अगर नाम बदलना जरूरी है तो उससे क्या सिस्टम भी बदल जाएगा। सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, मुगलसराय। और रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने के बाद गोरखपुर के लोगों का क्या रिएक्शन है, वो भी देखिए। यहाँ गोरखपुर में कुछ स्टेशन है जो अंग्रेजों के शासन से है, अंग्रेजों के द्वारा ही नाम दिया गया है। अगर हमारे यहाँ हमारे महापुरुषों के अगर नाम पे रखा जाता है तो कोई बुराई नहीं है, और नहीं तो एक लोगों में जागरूकता आएगी कि भाई हमारे महापुरुष हैं, उससे प्रेरणा स्रोत होंगे और आगे तरक्की करेंगे लोग। देखिए, किसी भी स्टेशन या किसी भी स्थान का नाम किसी महापुरुष या किसी विकास पुरुष के नाम से रखने से पब्लिक में ये संदेश जाता है कि उनका जो जीवन का जो लक्ष्य था विकास करना या धर्म की स्थापना करना या सभी लोग अच्छे से रहें, उससे लोगों को संदेश जाता है। विकास तो जब रेलवे चाहेगी तभी होगी, और हमारे महापुरुषों का नाम आगे लोग जानेंगे, ये कौन थे, क्या थे, कहाँ के रहने वाले हैं, लोग जानते नहीं हैं कौन क्या है। हमारे अवैधनाथ महाराज जी जैसे हुए, अन्य कई लोग हैं, सभी लोगों के नाम आगे आएंगे, जो नहीं जानता है वो जानेगा। ये तो प्रशासन का काम है कि वो नाम बदलने के साथ साथ उस जगह का विकास भी करे, यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी संभव हो, क्योंकि अगर नाम बदला जाएगा, नाम के बदलने के साथ सुविधाएं भी बढ़ाई जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा। तो सवाल ये है कि नाम बदला है, क्या सूरत भी बदलेगी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। गोरखपुर से हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं, मुगलसराय से सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपका नाम दीपक रख दूं और दीपक का नाम सुशांत रख दूं और हिमांशु का नाम कुछ और रख दूं, मान लीजिए विनीत रख दूं, तो क्या अगले आधे घंटे में आप लोगों से संवाद करूंगा तो आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत होगी, या थोड़ी देर में आप लोग सवाल समझ जाएंगे? पहले जवाब सुशांत आप दीजिए। जाहिर सी बात है सवाल समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेरा नाम सुशांत है और शुरू से ही ये नाम है और इसी से मैं जाना जाता हूँ, तो इसी से मुझे बुलाया जाता है, जो भी उद्बोधन करता है इसी नाम से करता है, तो सवाल समझने में दिक्कत जरूर होगी। तो फिर सरकार को, सही तो है, सरकार को क्यों लगता है कि नाम बदल देने से लोगों को सहूलियत होगी? वो भी यही कह रहे हैं कि मुगलसराय नाम, तो फिर सरकार को सुशांत क्यों लगता है कि नाम बदल देने से लोगों को सहूलियत होगी, और जिन लोगों के लिए ये बात कही जा रही है क्या वो लोग भी यही मान रहे हैं?
देखिए, लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि नाम बदला जाना ये एक राजनीतिकरण है और नाम बदलने से सुविधाएं नहीं बदलेगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि ट्रेन लेट हो रही है, यहाँ पर गंदा चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक नहीं है, अगर उसको बदल दिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा बनिस्पत नाम बदलने से। और नाम बदलना सिर्फ एक राजनीतिकरण है राजनीतिक पार्टियों का, और इससे उनका निजी फायदा होने वाला है, इससे आम जनता का, यहाँ पर आम यात्री का या आम नगरवासियों का कोई फायदा नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं है। जितने भी लोगों से हमने बात किया उन्होंने हमें यही बताया कि नाम बदलने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर व्यवस्थाएं बदल दी जाए तो उन पर बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। हम यहाँ पर लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के पास जाइएगा, लेकिन जहाँ जहाँ नाम बदले गए हैं पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गोरखपुर में भी कुछ नाम बदले गए हैं। इसलिए मैं आधे घंटे के लिए, चूंकि दीपक सुशांत बने हैं, तो मैं दीपक के पास चला जाता हूँ। दीपक, अगर आपका नाम मैं आधे घंटे के लिए बदल दूं तो क्या आपको दिक्कत होगी? होगी तो कैसी दिक्कत होगी, और क्या आप इस पर एतराज व्यक्त करेंगे? आप कहेंगे कि नहीं भाई, मेरा जो नाम है वही रहने दीजिए, गोरखपुर की जनता एतराज व्यक्त कर रही है वहां जो नाम बदले गए हैं। बिल्कुल अमित, ये बेहद अटपटा सा ये लगता है कि अगर मैं सुशांत के नाम से जाना जाऊं या सुशांत मेरे नाम से जाना जाए। यही स्थिति रेलवे स्टेशनों की भी होती है। सरकारें हमेशा आम जनता के ऊपर खेलती हैं कि आम जनता की डिमांड है, कहीं कोई डिमांड नहीं होती है, ये कुछ लोगों की मांग होती है जो उस व्यक्ति से जिसके नाम से स्टेशन का नाम रखा जाता है उनसे जुड़े होते हैं। गोरखपुर की अगर बात करें अमित, तो यहाँ पे दो स्टेशन है गोरखपुर में, कैंपियरगंज और पीपीगंज, जो अंग्रेजों के नाम पे हैं। कैंपियरगंज का नाम वीर बहादुर सिंह के नाम पे रखे जाने की मांग की जा रही है, पीपीगंज का नाम महंत अवैधनाथ के नाम पे रखे जाने की मांग कर रही है। लेकिन ये दोनों नाम रखे जाने की मांग कौन लोग कर रहे हैं? ये लोग वही लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स हैं या फिर वीर बहादुर सिंह से जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा खलीलाबाद स्टेशन का भी नाम बदल के संत कबीर नगर करने की बात की जा रही है। इसके अलावा सिद्धार्थ नगर जिले में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम भी सिद्धार्थ के नाम पर करने की जा रही है। मांग जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता अमित, जनता जिस नाम से जानती है अपने स्टेशन को उसी नाम से जानना चाहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पीपीगंज का नाम अवैधनाथ नगर पड़ जाए, कैंपियरगंज का नाम यहाँ पे वीर बहादुर सिंह नगर पड़ जाए। साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ पे अगर हो, रेलवे की टाइमिंग सही हो ट्रेनों की, इससे लोगों को फर्क पड़ता है। उसको इस बात से मतलब है कि सूरत और सीरत बदलनी चाहिए, नाम में क्या रखा है। लेकिन दीपक ये बताइए कि जिन जिन जगहों के नाम गोरखपुर में बदले गए, चाहे वो उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार रखा गया हो, अली नगर का नाम आर्य नगर रखा गया हो, मियां बाजार का नाम वहाँ पर माया बाजार कर दिया गया, और हुमायूं नगर का नाम वहाँ पर हनुमान नगर कर दिया गया, यहाँ पर कुछ बदला है क्या नाम बदले जाने के बाद, अगर आप गए हो तो? देखिए, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ। ये नाम योगी आदित्यनाथ के समय में बदले गए थे गोरखपुर में मोहल्लों के, और आज भी लोग पुराने नाम से ज्यादा जानते हैं, नए नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। हुमायूं नगर का नाम हनुमान नगर, ये हम और आप या कुछ लोग ही जानते हैं, शहर के लोग नहीं जानते कि हुमायूंपुर का नाम यहाँ पे हनुमान नगर है। आर्य नगर, अली नगर का नाम है, इसके बारे में भी बहुत लोगों को पता नहीं। आज भी शहर में जो सबसे लोकप्रिय जाना जाता है वो अली नगर के नाम से लोग जानते हैं। तो नाम सिर्फ राजनीति के नाम पे बदली जाती है, लोगों की अपनी जो राजनीतिकरण करने चाहते हैं, ये चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे जो भी जो यहाँ पे सांसद रहे हैं, उन्होंने अपने मंसूबों को साबित करने के लिए नाम बदले थे। हिंदुत्व का कार्ड खेलते थे योगी आदित्यनाथ, इसलिए मुस्लिम बस्तियों का नाम उन्होंने बदलकर हिंदू बस्तियों के, हिंदू देवताओं के नाम पर रखा। लेकिन जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी अली नगर में तमाम ऐसे हिंदू दुकानदार हैं जिन्होंने अपने बोर्ड पर अली नगर ही लिखवाया हुआ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्य नगर है या अली नगर है, उनको फर्क पड़ता है उनकी दुकान में बिजनेस, उनको दुकान में लोग आए। तो सवाल यही रेलवे स्टेशनों का भी होता है। यहाँ पे गोरखपुर का नाम कुछ अगर योगी आदित्यनाथ के नाम पर रख दिया जाए, महंत अवैधनाथ के नाम पर रख दिया जाए, तो आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पहचान होती है किसी भी शहर के जो नाम होते हैं। मुगलसराय नाम आज से नहीं, तमाम कई दशकों से जाना जाता है। अगर उसका नाम आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों को अटपटा लगेगा काफी सालों और तक। ठीक है, अगर रख भी रहे हैं तो रख दीजिए, लेकिन कम से कम लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उसे तो दूर करिए। आप स्टेशन पर साफ सफाई की व्यवस्था करिए, आप ट्रेनों को दुरुस्त करिए, आप वहां पर जब लोग जाते हैं सूचना मांगने के लिए कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है उसकी जानकारी उनको मिल नहीं पाती, वो सारी चीजें तो बदल नहीं पा रही, बस नाम बदले जा रहे हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में भी कुछ बदल रहा है क्या? गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया, लेकिन आज भी जब लोग दिल्ली से और नोएडा से गुड़गांव जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, गुरुग्राम नहीं जा रहा हूँ। तो गाजियाबाद में भी क्या ऐसी कोई मांग उठ रही है और कुछ बदल रहा है जो आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो?
अब बिल्कुल जैसा भी आपने कहा कि गुड़गांव का नाम, हम गुड़गांव जरूर कहते हैं लेकिन आज भी लोग उसे गुड़गांव ही कहते हैं जब हम लोग उसे बात करते हैं। यही बात मैं आपसे कहने वाला था, अगर मेरा नाम बदल दिया जाए या मेरा नाम विनीत रख दिया जाए तो जो लोग मुझे जानते हैं अगर उनसे कहा जाए कि मुझे हिमांशु के पास जाना है तो शायद वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर वो कहेंगे विनीत के पास जाना है तो भी वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे क्योंकि गाज़ियाबाद स्टेशन को सब लोग जानते हैं, पुरानी पहचान है। अगर गाज़ियाबाद का नाम कुछ और रख दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग इसको समझ नहीं पाएंगे और अटपटा सा लगेगा। हाँ, ज़रूर ये है कि व्यवस्थाएँ जो है यहाँ की, अगर उनमें बदलाव मिले तो लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं मिले तो उससे काफी अच्छा लोगों को महसूस होगा, ना कि नाम बदलने से कुछ मिलने वाला है। गाजियाबाद में फिलहाल ऐसी किसी तरह की कोई सुगबुहाट नहीं है कि यहाँ पे किसी चीज का नाम बदला जाना है या फिर रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाना है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जनता जरूर कह रही है कि यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार हो, जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अगर कुछ अच्छा हो तो लोगों को उसका फायदा मिलेगा, खासतौर पर रेलवे यात्रियों को। जिस तरह से कूड़ा यहाँ पर पड़ा रहता है या फिर ट्रेनें समय से नहीं चलती हैं, वेटिंग के लिए भी लाइन लगती है, एक ही काउंटर रहता है, अगर उसमें बढ़ोतरी की जाए, उसमें इजाफा किया जाए तो जनता को जरूर सहूलियत मिलेगी। नाम बदलने से जनता को सिर्फ एक अलग से चुटकुला छोड़ दिया जाता है सरकार की तरफ से कि नाम बदल दिया गया है, और उस नाम को ना तो जनता पहचानेगी ना आम आदमी पहचानेगा, केवल वो नाम मीडिया में घूम कर रह जाता है, आम जनता उसको भी पुराने नाम से जानती है। जनता कुछ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं, उनसे हम इस सवाल को जानते हैं, वो काफी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर, अगर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दें तो क्या कुछ अच्छा रहेगा या व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए? नहीं, व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? नाम मेरा जो है वो मेरा है, अब नाम बदलेंगे तो कन्फ्यूजन और हो जाएगा कि ये कौन है भैया, तो नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आई थिंक मेरे हिसाब से तो व्यवस्था बदलनी चाहिए, जो कूड़ा करकट है, गंदगी है, सिक्योरिटी है, आवाजाही है, टिकट की सुविधाएं हैं, उन्हें बेहतर से बेहतर करना चाहिए, पार्किंग की सुविधा बेहतर होनी चाहिए, यहाँ पे गंदगी है, दीवारों में पीक डाल रखी है गंदे, बिल्कुल सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सिक्योरिटी की तो एनसीआर का स्टेशन होते हुए गाजियाबाद सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है, लगा तो रखे हैं बैरियर लेकिन अंदर सारी सुविधाएं हैं, जहां से मर्जी जो मर्जी सामान पहुंच सकता है, पीछे से इधर से रास्ता खुला हुआ है, उधर से रास्ता खुला हुआ है, चार जगह से स्टेशन के रास्ते खुले हुए हैं, दिल्ली की तरफ यहां से हज़ारों ट्रेनें जाती हैं, कोई अप्रिय घटना दिल्ली में हो जाती है, एनसीआर से कोई जाती है बिना सिक्योरिटी चेकिंग के, कोई घुस जाता है और कुछ हादसा हो जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बेहद पार्किंग बनी पड़ी है यहाँ पर, देखो इस जितनी भी समस्याएं हैं उनको ये गिनवा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये सारी समस्याएं हैं, नाम ना बदले, इन समस्याओं का निस्तारण कर दे, ये जनता चाहती है, ये यात्री चाहते हैं, क्योंकि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, जो समस्या है जिनसे रूबरू होना पड़ता है जनता को रोजाना, जो यात्री रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं, जिन समस्याओं को वो झेलते हैं, उन समस्याओं में अगर सुधार हो तो काफी बेहतर। को लेकर ट्वीट नहीं कर रहे ना हिमांशु, उन समस्याओं को लेकर ट्वीट करेंगे तो हो सकता है कि समाधान हो जाए। सुशांत, ये बताइए कि दीपक भी नहीं चाहते कि नाम बदले, हिमांशु भी नहीं चाहते कि नाम बदले, मैं भी नहीं चाहता कि नाम बदले, आप भी नहीं चाहते नाम बदले, तो फिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि नाम बदले, जिनके कहने पर सरकार ये कह रही कि हाँ भाई ये लोग कह रहे थे इस वजह से हमने नाम बदला। आपके आसपास तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करिए, क्या काशी के लोग वाकई में चाहते थे क्या कि मुगलसराय का नाम बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से स्टेशन का नाम रख दिया जाए या किसी और नाम से चाहते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नाम बदलना आखिर कौन चाहता है? सरकार कहती है कि लोग चाहते हैं नाम बदले, क्या आपको लगता है आप लोग चाहते हैं नाम बदले? नाम बदलने से क्या फायदा? नामकरण को जो बदलने का काम है वो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है जिसके कारण ये नाम बदले जाते हैं। जहाँ तक रही बात मुगलसराय के नाम बदलने की, 1862 से ये नाम चला आ रहा था और इसके पहले भी कल्याण सिंह की सरकार थी तो उस समय नामकरण बदला गया था, स्टेट ने बदला था, लेकिन राज्य केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, उसने इसको स्वीकार नहीं। राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं, राजनीतिकरण के तहत नाम बदल जाता है, क्या लगता है आपको नाम बदलना? सरकार कहती है कि आम जनता चाहती है नाम बदलना, क्या आम जनता को फायदा होगा इससे? आपको क्या फायदा होगा नाम बदल जाएगा? जी बिल्कुल फायदा होगा, जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा अगर नाम बदला गया है तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुगलसराय का नाम बदल करके मुगलसराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखने से यहाँ का विकास भी संभव है। ये तो आप नाम बदलने से कैसे विकास हो जाएगा ये बताइए, नाम बदल दिया गया है मुगलसराय का, क्या लगता है इससे क्या बदलेगा? बदलेगा क्या? अभी नाम बदल दिया बोले तो गलत काम हो गया ना, वे नाम तो बदलना नहीं चाहिए था पहली बात, तो अब जो नाम चल रहा है तो वही नाम से चलेगा ना, चाहे कितना भी आप बदली कर लीजिए,
अब जैसे महाराष्ट्र में देखिए, अब छत्रपति शिवाजी महाराज रख दे, लेकिन वो नाम CST से BT से ही नाम अभी भी लोग जानते हैं, अभी भी जानते हैं ना। अभी सहार एयरपोर्ट का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। लेकिन अभी लोग क्या बोलते हैं? सहार एयरपोर्ट पर ही जाना है हमको। तो आपको लगता है कि नाम बदलने से ज़्यादा व्यवस्थाएँ बदलनी चाहिए? व्यवस्था बदलना चाहिए। व्यवस्था क्या है यहाँ पे? आप देख रहे हैं ना क्या है यहाँ पे व्यवस्था? खाली पुकड़ पब्लिक को परेशान करना, सब कुछ करना, इससे कोई मायने मिलता है क्या? कोई मतलब नहीं। नाम बदलने से क्या होता है? तुम नाम बदलने से या काम करके दिखाओ ना। नाम बदलने से ज्यादा काम करना चाहिए। हमारे साथ यात्री हैं जो खुद यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। क्या लगता है नाम बदल गया, बदला जा रहा है मुगलसराय जंक्शन का, इससे क्या फायदा होगा? आप लोग चाहते हैं, सरकार कह रही है कि आम जनता चाहती है, यात्री चाहते हैं। नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं हम लोग को भी लगता है। इससे सुविधा अच्छा दिया जाए, यात्री जब यात्रा करता है तो उसको सेफ्टी सुरक्षा दिया जाए, प्लस में उसको दूर यात्रा करता है तो उसको और मुहैया किया जाए, जैसे पानी का उपलब्ध दिक्कत होता है और जैसे कि आने जाने में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम होता है। पानी की दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है, हर तरह से दिक्कत होती है। तो लोग यही कहते हैं कि नाम बदलना ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। क्या लगता है नाम बदलने से क्या कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलने वाला है ये। अगर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, तो जनपद में कोई इंडस्ट्री लगा देना चाहिए, कोई स्टेडियम बनवा देना चाहिए उनके नाम से। इससे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ ये जुमला है और लोगों को एक दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, यात्री हैं, ये महाराष्ट्र जा रहे हैं, ये ट्रेन पे यात्रा करने के जा रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ कूड़ा देखिए क्या कूड़े का हाल है, चारों तरफ कूड़ा बजबजा रहा है, कोई उस कूड़े को उठाने की बात नहीं हो रही है। लगातार स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है, मगर मुगलसराय स्टेशन पर ये हाल है, उसके गेट पर ये हाल है। तो इससे समझा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने की नीति हो रही है, काम बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है और लगातार लोग इसी बात की शिकायत कर रहे हैं। और ठीक है, ये बताइए कि क्या लगता है नाम बदलने से क्या होगा? आप लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं, यहाँ पर रहते भी हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि नाम बदलने से कुछ होने वाला है। जो 157 साल से लगा इतिहास हमारा, आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ नाम बदलने से कुछ बदलने वाला है। ज़रूरत यह है कि वहाँ पर सूरत बदले, सीरत बदले, व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, इस बात की हर कोई मांग कर रहा है। नाम बदलने की मांग फिलहाल किसी की तरफ से उठाई नहीं जा रही है, लेकिन राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, उनके तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया, इस पर वो भी देखिए। कि ये सरकार बातें बड़ी बड़ी करके आई थी, लेकिन लोग और शायद ये देश ये नहीं जान पाया था कि इनके बस में केवल नाम बदलना है, व्यवस्था बदलना नहीं है। और अगर आप व्यवस्था बदलते तो मुझे लगता है कि इस देश के लिए भी अच्छा होता, लोगों के लिए भी अच्छा होता, और व्यवस्था बदल के आप नाम बदल देते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी चाहती है, काम नहीं करना चाहती। आज केंद्र में 4 साल हो गए, प्रदेश में 1 साल हो 1.25 साल हो गया, जितने वादे किए थे वो सब मुद्दों पे ये फेलवर साबित हुई है। वही हाल मुगलसराय स्टेशन का है कि नाम तो बदल दिया, सुविधाएं बद से बदतर हो गई। दीपक, चाहे किसी गांव का नाम हो, किसी जिले का नाम हो, किसी प्रदेश का नाम हो, या फिर किसी शहर कहीं का भी नाम हो, हर किसी के नाम के पीछे कोई ना कोई इतिहास जुड़ा होता है। जैसे मेरे गांव का नाम है टोडी शुक्ल का पूरा, तो वहाँ पर बहुत सारे शुक्ला हैं, इस वजह से उस गांव का नाम है टोडी शुक्ल का पूरा। किसी गांव का नाम होता है पांडे का पूरा, किसी गांव का नाम होता है दुबे का पुरवा। तो क्या नाम बदलने के बाद उस गांव का या उस ज़िले का, उस शहर का इतिहास भी बदल जाया करता है क्या, या उसको बदलने की कोशिश होती है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार को भी ये सोचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी इसके पहले जब सांसद हुआ करते तो वो भी इन चीज़ों का विरोध किया करते थे। अगर हम मान लें गोरखपुर रेलवे स्टेशन का नाम, यहाँ से फिराक गोरखपुरी होकर के गए हैं, पूरे विश्व में नाम उन्होंने कमाया है, अगर उनके नाम पे फिराकपुर कर दिया जाए तो क्या योगी आदित्यनाथ को ये मंजूर होगा? क्या अगर दूसरी कोई सरकार आए, राम मनोहर लोहिया जंक्शन इसका नाम कर दे, तो क्या ये सरकार को मंजूर होगा? कतई नहीं मंजूर होगा। ये सारी चीज़ें अमित, ये राजनीति का एक हिस्सा है, राजनीतिकरण एक कर रही सरकारें। नाम बदलने से अगर किसी जगह का विकास हो जाता, या अगर पंडित दीनदयाल के नाम पे इन्होंने उस मुगलसराय का नाम रखा है, तो कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे जाकर के कल से श्रमदान करेंगे? कितने लोग जाकर के वहाँ पे जो कूड़े कचरे हैं, वहाँ की जो दुर्व्यवस्था है उसको सही करने का काम करेंगे? कोई नहीं जाएगा। राजनीति सिर्फ नाम पे होती है, काम पे नहीं होती है। और यही कारण है तमाम जो विरोध हो रहा है, लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं।
सरकारें सिर्फ नाम की राजनीति करती हैं, रंग की राजनीति करती हैं, लेकिन जो वाकई लोगों की दिक्कतें हैं, जो लोगों की समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। किसी भी शहर की पहचान उसके नाम से होती है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। नाम बदलने से व्यक्ति की पहचान नहीं बदल जाती है, लेकिन सरकार इस बात को नहीं ध्यान देती है। अगर गोरखपुर की बात करें, गुरु गोरक्षनाथ के नाम पे इस नाम को बसाया गया है। अगर कोई अगली सरकार आती है तो वो अगर इसको मानती है धार्मिक नाम है, हाँ। तो क्या वो बदले और इस पे योगी आदित्यनाथ या इनके जो तमाम लोग हैं वो इसका अगर विरोध करें? निश्चित रूप से एक जो सरकार का फैसला है वो लोगों के जो बात कर रही है कि लोगों के मांग पर रखा गया, ऐसा कतई नहीं है। लोगों की कहीं पर कोई मांग नहीं होती है, ये वही लोग होते हैं जो मांग करते हैं जो बीजेपी या इस तरह के पार्टियों से जुड़े होते हैं। अमित, ठीक है, इस बीच लखनऊ से हमारे साथ निखिल शर्मा भी जुड़ गए हैं। निखिल, क्या कोई आधार भी होता है क्या नाम बदलने के पीछे, जब सरकारों के जहन में, मुख्यमंत्री के जहन में या किसी मंत्री के जहन में, किसी विधायक या सांसद के जहन में ये बात आती होगी तो इसके पीछे कोई आधार भी तो होता होगा ना? जैसे जब बीएसपी की सरकार थी तब तमाम जिलों के नाम बदले गए, अखिलेश यादव आए मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बार फिर से उन तमाम जिलों के नाम बदल दिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार गई तो तमाम योजनाओं के नाम जो समाजवादी पार्टी के नाम पर चल रहे थे उनके नाम से समाजवादी हटा दिया गया, तो कोई इसके पीछे तर्क भी तो होता होगा ना, या सिर्फ कोई कुर्सी पर बैठा उसका मन किया उसने नाम बदल दिया? बिल्कुल, इसे उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम जो नाम बदले जा रहे हैं इसे विडंबना ही कहा जा सकता है। जो भी सरकार सत्ता में आती है अपने हिसाब से नाम रखती है, अपने एजेंडे पर नाम रखती है। दरअसल मकसद ये होता है सरकार को बताने का या उस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ये साबित करने का कि जिस धर्म, जिस समुदाय, जिस पंथ की राजनीति वो कर रही है वो उसको लेकर कितना गंभीर है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम योजनाओं का नाम बदलकर लोहिया योजना के तौर किया गया, इसके साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, दो जनपद, अमेठी जनपद और अंबेडकर नगर, जिसका नाम कभी अकबरपुर रख दिया जाता, कभी अंबेडकर नगर रख दिया जाता, क्या विकास इन क्षेत्रों में हुआ? क्या उन जो योजनाओं में जिनका नाम बदल दिया गया उनका बदलाव हुआ, उनमें कोई विकास हुआ? ऐसे तमाम सवाल खड़े हैं। उन क्षेत्रों में जब हम जानते हैं, उन जगहों पर हम जाते हैं जहाँ का नाम, जिन रोडों का नाम बदला जाता है, वहाँ विकास नहीं होता। दरअसल ये एक सिलापट निकाल कर दूसरी सिलापट लगाने की राजनीति है और मकसद ये होता है कि लोगों के मन में एक मैसेज जाए कि सरकार काम कर रही है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो समझती है और शायद यही वजह है कि इस तरह का रोष अब लोगों में देखने को मिल रहा है कि नाम की राजनीति नहीं चलेगी, विकास करना होगा सरकार को, बदलाव करना होगा सरकार को। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को दो जो उपचुनाव हुए हैं लोकसभा के, चाहे वो इलाहाबाद फूलपुर रहा हो और चाहे उसके बाद अब कैराना रहा हो, दोनों में जवाब दिया है जनता ने। तो जनता हरदम इस तरह की जो विचारधारा होती है उसको जवाब देती है। कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर जनता खड़ी थी, लेकिन अब सवाल भी खड़े करने लगी है और यही वजह है कि जो विरोधी दल है वो अब इस पर सवाल खड़े करने, लेकिन शायद जो राजनीतिक दल है जब सत्ता में आते हैं तो उनकी विचारधारा भी बदल जाती है। उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो वो भी तमाम जो है वो स्टेशनों का नाम बदलेगी, तमाम जनपदों का नाम बदलेगी, तमाम पार्कों का नाम बदलेगी। तो ये एजेंडे के तहत तमाम राजनीतिक दल करते हैं, अपने धर्म, अपने समुदाय जिसकी वो राजनीति करते हैं उसके तमाम जो लोग होते हैं उनके नाम पर इसका नामकरण किया। नाम के खेल में लोगों को उलझा कर आप उसे ये नहीं बता सकते हैं कि हमने आपको नौकरी नहीं दी तो क्यों नहीं दी, मतलब वो असल मुद्दों पर टिका हुआ है, आप उसको किसी भी तरीके से उलझा नहीं सकते, कम से कम लोग इतना तो अब समझने ही लगे हैं। सुशांत, ये बताइए कि क्या किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है क्या? मान लीजिए अब आज से या फिर कही दिया गया है, अब देखिए कब से वहाँ पर जो तमाम बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर नाम बदल दिए जाते हैं, मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय लिख दिया जाता है वहाँ पर, जब ये लिख दिया जाएगा तब किस तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत भी आएगी क्या, चाहे वो रेलवे को हो या फिर वहाँ काम करने वाले जो दूसरे वेंडर्स हैं, तमाम लोगों को उस बारे में कोई जानकारी हासिल कर पाए हों, रेलवे के अधिकारियों से कोई बातचीत कर पाए हों, वहाँ काम कर रहे कुली से कोई बातचीत कर पाए हों, किसी ने अपनी दुकान लगा रखी हो उससे बातचीत कर पाए हों, क्या कहा उन लोगों ने, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, रेलवे के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि उनके रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी नाम बदलने के लिए उनके पास पत्र नहीं आया है, इसलिए वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। मगर अब आज सुबह हमने कई यात्रियों से मुलाकात की जो बाहर से आ रहे थे, कईयों को पता तक नहीं था कि यहाँ का नाम बदलने वाला है। उनका ये कहना था कि नाम अगर बदल जाएगा, जिस नाम से हम बरसों से जानते हैं वो नाम अगर चेंज हो जाएगा तो आखिर उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? वो अचानक अगर आते हैं देखते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन लिखा हुआ है, जैसे नगर महापालिका के हमें तो बोर्ड तक बदल दिया गया है, शहर में बोर्ड
बदल गया है, तो वहां पर जो लोग आते हैं काफी कंफ्यूज है वो, क्योंकि मुगलसराय हमेशा कोई नहीं आता, लोग यात्रा करने के लिए आते हैं, सबसे बड़ा यार्ड है ये भारत का, और जो सबसे बड़ी ट्रेनें हैं राजधानी हो चाहे दुरंतो सब यहाँ पर रुका करती है, तो लोग यात्रा करने के लिए आते हैं, और ऐसे में अगर नाम चेंज हो जाएगा तो उनके लिए काफी कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो ये नाम है वर्षों से चला रहा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा होगा रेलवे ने, रेलवे मंत्री ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।